बैटलफील्ड में यूक्रेन ने कहां बरसाया बारूद, यूक्रेन के किन किन इलाकों पर रूस ने ड्रोन हमला किया, अमेरिकी हाईमार्स से रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचा बैटल ग्राउंड में और क्या क्या हो रहा है, देखिए महायुद्ध टॉप 9। बैटलफील्ड में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। यूक्रेन ने अटैक हेलीकॉप्टर MI-24 से रूसी ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन ने इस हमले में अनगाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की बारूदी बौछार में रूसी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेरसों के वॉर जोन में विध्वंसक युद्ध जारी है। यूक्रेनी सेना ने रूस के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए। रशियन आर्मी की पोजीशन पर यूक्रेनी एयरफोर्स ब्रिगेड ने ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन ने इन हमलों में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। रूसी कब्जे वाले इलाकों को वापस लेने के लिए यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बाकमुत में रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक लड़ाई जारी है। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर बड़ा हमला बोला है। ड्रोन अटैक के बाद कई रूसी जवान जान बचाकर भागते दिखे। महायुद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेनी फोर्स जोरदार काउंटर अटैक कर रही है। यूक्रेन ने हाइमर्स से रूस के मिलिट्री पोस्ट को टारगेट किया। एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। यूक्रेन के रॉकेट अटैक से रूसी ठिकानों में अफरा तफरी मच गई। वॉर जोन में आगे बढ़ रहे रूसी टैंकों पर यूक्रेनी सेना ने विध्वंसक प्रहार किया। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को टारगेट कर जोरदार हमला किया। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट के हमले में रूसी सेना का 2S-19 टैंक तबाह हो गया। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर तबाही की बारिश कर रहे हैं। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन के अंदर जोरदार हमला किया। रूस ने यूक्रेन के नोवा काखोवका में रिहायशी इलाकों में बमबारी की। रूसी हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयी, घरों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए, सड़कों पर मलबा बिखरा दिखाई दिया, हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही नजर आई। महायुद्ध में पिछले कुछ दिनों से यूक्रेनी आर्मी की तरफ से जबरदस्त पलटवार के बीच रूस ने फिर हमले तेज कर दिए हैं। आर पार की जंग के बीच रूसी T-90M टैंक के एक्शन वीडियो सामने आया है, जिसमें रूसी फौज टैंकों से यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी हमले करते दिखी। यूक्रेन के साथ जारी महायुद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान सामने आया है। म्यांमार के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में लावरोव ने कहा कि रूस अपनी शर्तों के साथ यूक्रेन से सुलह के लिए तैयार है, लेकिन जरूरी यह है कि प्रस्ताव में रूस के हितों का ख्याल रखा गया हो।